ओके सो हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद अ न्यू व्लॉग। सो गेस व्हाट, क्या है देखो कि मेरी कान करता रहता है। सो देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई एम गोना कट माय हेयर्स बाय माय सेल्फ। थोड़ी सी काटूंगी, ज्यादा नहीं काटूंगी क्योंकि वैसे भी हर दो महीने में मेरे को आदत है ना काटने की, उससे हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहती है, ट्रिपिंग भी हो जाती है और जो भी होता होगा होता होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अरे जाना रे। हाँ तो वैसे मेरे हेयर्स ऑलमोस्ट वेटी वेटी नहीं है, नीचे के हेयर में गुटी गुटी है। हाँ तो नोनू प्रसाद ले, मैं दिखा रहे, मैंने तो गिराया भी नहीं था, पापा इसी को बोले। तो जो फर्स्ट वाला मैंने देखा था मैं वही ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी थोड़े से ही काटने मेरे हेयर्स, मेरे को वैसे भी लेंथ में ही रखने हैं, ये तो ज़्यादा ख़राब है। कोई नहीं, मैंने अभी तो काटे थे, अच्छे हैं ना मेरे बाल। ओके सो आई हैव डन, इक्वली काटे हैं मैंने नीचे से। तो मैंने अभी करती हूँ, वैसे ऐसे अच्छी लग रही है बोल रही। जगह बदल लेते हैं। तो थक कर के मुझे मेरे घर का ये कोना पकड़ना पड़ा, रूम में पापा टी वी देख रहे, किचन में मम्मी है, तो मैं छत की सीढ़ियों पर आ गई। सो हाँ, हेयर्स कट मैंने कर लिए और स्प्लिट एंड्स ज़्यादा है मेरे हेयर्स में वैसे तो, बट अपने आप ठीक हो जाए हो रहे क्योंकि तो उनसे मैं कुछ नहीं पंगे लगी। तो दिस इज हाउ माय हेयर्स नाउ लुकिंग। चलिए मेरे बात खराब नहीं हुए, अच्छे बैठो आइए। और अब मैंने रेगुलर बेस पे थोड़ी थोड़ी अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दी है। स्किन केयर हेल्थ केयर के लिए बेस्ट होता है वाटर, मम्मी कहती है करेला खाओ, आँखें अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं। तो मैं खा लेती हूँ कई बार रेगुलर बेस पर, तो मैं वो भी नहीं खा सकती, बट वाटर एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली सब पीते हैं यार सारे। तो मैंने रिसेंटली ये वाटर बॉटल ली थी जो टेंट में भी थी, मतलब अभी भी है, जिसके साथ मेरे को ना इसके अंदर इसकी स्ट्रॉ और कवर वगैरह मिले थे, कवर मैंने इसका रख दिया, और ये स्टिकर्स मिले थे जो कि मैंने एक साइड पे ही लगा दिए हैं। दीज आर एक्चुअली रियली क्यूट। चलो तो मैं दूसरी साइड पे भी एक बार लगा देती हूँ, मैंने ये सोचा था एक साइड पे तो मैंने ऑब्जेक्ट चौक लगा दिए, तो दूसरी साइड पे मैं तब लगाऊंगी जब मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फर्स्ट वन इज दिस क्यूट बनी। दिस इज लुकिंग टू क्यूट। मैं किसी के आगे इसमें पानी पी दो ना, वैसे भी शक्ल से बच्ची लगती हो तो सामने वाला मुझे कहते तो बच्ची है क्या, बट नहीं दिस इज ठीक है। जो मैंने रिसेंटली पर्पल से प्रोडक्ट मंगाए थे वो उन्हें यूज़ करने में मुझे दो तीन दिन ही हुए, रेगुलर भी नहीं करती, एक दिन छोड़ के मैं 100% कर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आइस रोलर यूज़ करूँगी जो कि मैंने जिसमें अब कुछ और ऐड किया है। सी अरे पिघल गया, दिस इज कोकुम्बा।
let's use on your face. Oh my god. I'm going to keep it up now. I think I like it. Guys, put it. क्या वीडियो बना रही हूँ एक तो इनको तो ये लगता है किसी से बात कर मैं सब्जी क्या है पत्ता गोभी देखा हेल्दी हरी सब्जी खाऊँ दो पराठे खाऊंगी पता नहीं कि सबका गला खराब हो रहा है इसको मैं रख देती हूँ साइड में और इसको थोड़ा सा लगाती हूँ जितना जैसे लगता है ये फेस पे वैसे ना स्किन ना उस जगह तो अच्छा अरे इससे ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है फेस पे तो मैंने टॉवल रखा हुआ अगर बैकग्राउंड से ज़्यादा शोर हो रहा हो ना तो क्या करूँ क्योंकि मैं छत की सीढ़ियों पे बैठी हूँ और मेरे पड़ोसी ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल है सारे चुप ही रह नहीं सकता इवन मेरे घर में ही नहीं शांति रहती तो ठंडा ठंडा लग रहा है अच्छे से माइक कर लेंगे देन आई एम गोना यूज फेस सीरम जिन्होंने मेरी रिसेंटली पर्पल से ऑर्डर करे हुए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी उन्हें सबका पता होगा जिसने नहीं देखी वो देख लो वैसे एक फ्री सजेशन दूँ कुछ भी स्किन केयर करो ना तो आफ्टर दैट आपको हर सीज़न में सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए अदरवाइज जो स्किन टोन होता है ना वो टाइम बाय टाइम डार्कर होता जाता है ये चीज़ मुझे कल ही पता चली है वरना मैं खुद सनस्क्रीन भी ऑर्डर कर लेती हूँ इन सब के साथ बट मुझे खुद रेट पता चली तो व्हाट कैन आई डू फॉर नाउ कुछ नहीं अब मैं शॉप वगैरह से कहीं से भी सनस्क्रीन ले लूँगी क्योंकि स्किन टोन डार्कर तो कोई नहीं करना चाहेगा पता नहीं क्यों सब लोग गोरे रंग पे ही टिकते हैं इवन गोरा रंग इतना अच्छा नहीं लगता जितना लाइनेक्स अच्छे लगते हैं काइंड ऑफ योर आईज योर फेस कर अट्रैक्टिव होना चाहिए इंसान कलर तो पार्लर से भी गोरा हो जाता है आफ्टर दैट मैं ये लोशन अप्लाई करूँगी जो कि मैं हाथ पैर में भी करूँगी नहाने के बाद मैं करती हूँ बस मैं स्किन के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी आफ्टर दैट मैं सनस्क्रीन लूँगी इसके बाद मैं एंड में सनस्क्रीन अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी ताकि मेरी स्किन टोन डार्क ना हो जाए क्योंकि कोई नहीं चाहेगा यार वही बस अब मुझे हेयर सीरम अप्लाई करना है वैसे ये जो ओप्टन है ना ये सब मेरे को सूट नहीं करता ये मम्मी यूज़ करेंगी मेरे को बस अब हेयर सीरम लगाना है वो भी थोड़ा सा ही हेयर सीरम भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ही लगाना होता है थोड़ा सा अदरवाइज रेगुलर भी नहीं लगाना होता जब बाल धो तब लगा लो बस क्योंकि रेगुलर तो कोई बाल धोता भी नहीं हेयर सीरम स्टेक्स का क्लास जाऊंगी और शिट बॉक्स में भी थोड़ा पानी हो गया अब सोचूं मैं क्या करना ओके सो इस वीडियो में मेरे को इतना ही रखना था क्योंकि ये वीडियो पूरी अकेली 15 मिनट की हो गई है बट इन द एंड आई एम गोना शो यू समथिंग ब्यूटीफुल तो नित्या रिसेंटली मथुरा गई थी तो उसने वहाँ से दादाजी के नाम का दो दुपट्टे लिए थे ये उसने मेरे को दे दिया हमें भी मथुरा जाना है बट अभी देखते हैं कब जाएंगे जाना तो है जाएंगे जरूर तो जब भी जाऊँगी ना मैं ये दुपट्टा ओढ़ के जरूर जाऊँगी दिस इज़ ब्यूटीफुल तो
20 मिनट बचे मेरी क्लास शुरू होने में और खाना मैंने अभी तक नहीं खाया, कपड़े मैंने अभी तक चेंज नहीं किए। खाना एक बार इसको मैं रख देती हूँ हमारे से। ओ ये क्या करेले से खाएंगे हम? ये ना ये करेले का इधर हम बहुत बना ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सून एज पॉसिबल, तब तक के लिए बाय बाय। गला खराब है मेरा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल फंस भी होता है, हेयर शाइन कर रहे हैं यार, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं मेरे। चलो सिरम ऑल द रिच पीपल कैन यूज। ठीक है बाय। वो एक प्लेयर लिखा ठीक है।